हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एवरीथिंग अबाउट फूड। आज के इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे होममेड कंडेंस मिल्क कुछ बहुत ही इजी स्टेप्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमें लेना है 750 ml दूध, एक बड़ी कटोरी चीनी और चुटकी भर बेकिंग सोडा। सबसे पहले एक पैन में हम दूध डाल लेंगे और उसी के साथ हम उसमें चीनी डालकर उसे कम आंच पर अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसमें उबाल आने लगा है। आपको दूध को मिलाते रहना है ताकि दूध नीचे से जले ना और उसमें कोई भी लंप ना आए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि दूध का कलर चेंज हो रहा है और वो गाढ़ा होता जा रहा है। आपको दूध को तब तक चलाते रहना है जब तक कि चीनी कैरामलाइज होना नहीं शुरू हो जाती। ये देखिए, चीनी बिल्कुल अच्छी तरीके से कैरामलाइज हो गई है। जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें तुरंत ऐड करेंगे चुटकी भर बेकिंग सोडा और उसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल वैसा ही गाढ़ा और पीला हो जाएगा जैसा कि कंडेंस मिल्क हम मार्केट से लेकर आते हैं। हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी है। अब आप किसी भी मिठाई में या आइसक्रीम में इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए मेंबर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए आगे आने वाली बढ़िया और टेस्टी रेसिपीज के लिए। थैंक यू।